क्या दोस्तों आपका जो कंप्यूटर और लैपटॉप सिस्टम है स्लो चलता है, हैंग होता है? डोंट वरी, आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 10 ऐसे सेटिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बाद दोस्तों आपका जो सिस्टम है चलेगा नहीं, दौड़ेगा। नंबर वन, डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम्स। क्या आपको दोस्तों पता है कि आपके विंडोज सिस्टम में कई सारे दोस्तों ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम के ऑन होने के साथ साथ वो भी दोस्तों बैकग्राउंड में रन हो जाते हैं? शायद आपको पता नहीं होगा। तो सोचो अगर दोस्तों ये जो स्टार्टअप में दोस्तों एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं, अगर हम इन्हें बंद कर दें तो हमारे सिस्टम में थोड़ा बहुत तो रैम फ्री ज़रूर होगा, और अगर थोड़ा बहुत रैम फ्री होगा तो इसका मतलब है दोस्तों सिस्टम थोड़ा बहुत तो फास्ट ज़रूर होगा। तो यार देखो, स्टार्टअप में एप्लीकेशन को डिसेबल करने के लिए सिंपली अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टास्क मैनेजर का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप का, तो आपको स्टार्टअप पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख ले जिन जिन एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल नहीं करते, जो स्टार्टिंग में दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें आप बंद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो दोस्तों, जो गूगल क्रोम है वो ऑटोमेटिकली स्टार्टअप में यहाँ पर ऑन हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करके आप इसे डिसेबल कर सकते हो। सेम इसी तरह यहाँ पर एक ओपेरा भी है, तो इसे भी आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं, ये है स्कैन टू पीसी एक्टिवेशन ऐप, तो इसे भी आप सिंपली यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। तो जितने भी एप्लीकेशन दोस्तों जो आपको लगता है कि ये फालतू के एप्लीकेशन है और स्टार्टअप में ऑन ना हो, तो उन्हें दोस्तों आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो और अपनी पीसी को स्पीड अप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है OneDrive। OneDrive एप्लीकेशन की मदद से आप इंटरनेट में, क्लाउड में सेव करके रख सकते हैं और कभी भी उसे डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि दोस्तों ये सिंक होने से, मतलब जैसे आप इस फीचर को एक्टिवेट कर लेते हो या फिर आपके में ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो ये दोस्तों ये सिंकिंग करता है और हमेशा आपके सिस्टम से जो डेटा को है वो क्लाउड में भेजता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेटा दोस्तों ट्रांसफर होता रहता है। और कई बार दोस्तों इसके वजह से भी दोस्तों आपका जो सिस्टम है वो हैंग करने लग जाता है या फिर कह लो स्लो हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, वैसे बहुत से लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, कुछ प्रोफेशनल लोग ही करते हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वरना मोस्टली लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे में आप इसे बंद कर सकते हो। तो OneDrive सिंकिंग को आपको स्टॉप करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप सिस्टम में सर्च करना होगा OneDrive एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना। उसके बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको एक अनलिंक का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली अनलिंक पे आप क्लिक करके अपने आपको यहाँ पर अपने सिस्टम को OneDrive एप्लीकेशन से अनलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसेबल एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स। वेल दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने सिस्टम में जो एनिमेशन है और विजुअल ग्राफिक है, अगर आप उसके ग्राफिक्स को दोस्तों डीग्रेड कर दे यानी कि कम कर दे, तो ऐसे में सोचो कितना फ़ायदा होगा। अगर आपके सिस्टम में दोस्तों जो ग्राफिक है, अगर उनकी क्वालिटी दोस्तों अगर हम कम कर दें, घटा दें, डीग्रेड कर दें, तो ऐसे में आपको क्वालिटी तो कम दिखेगी, लेकिन दोस्तों आपका जो सिस्टम है दोस्तों वो फास्ट लोड होगा। जो ग्राफिक कम होने की वजह से, लो क्वालिटी होने की वजह से, ऑफकोर्स सी बात है सिस्टम उसे फास्ट लोड करेगा, जिसकी वजह से दोस्तों ऑफकोर्स सी बात है आपका जो सिस्टम है फास्ट हो जाएगा। तो एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट को बंद करने के लिए सिंपली आपको अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल पर जाना है। कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सिस्टम का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग का, तो आपको इस पर भी क्लिक करना है। नेक्स्ट चीज में आपको यहाँ एडवांस ऑप्शन पे आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली कस्टम पे सिलेक्ट करके यहाँ पे जितने भी ये आपको एनिमेशन दे रखे दोस्तों, इन सभी को आपको अनसेलेक्ट करके सिंपली इसे टर्न ऑफ कर देना, यानी कि बंद कर देना। तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को सिंपली अनसेलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग अगर हम बात करते हैं, वेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों विंडोज़ अपडेट। वेल आपको पता होगा दोस्तों, आपके विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों आपका जो विंडो है दोस्तों वो आपको बार बार अपडेट भेजता रहता है। और ऐसे में कई बार दोस्तों इसकी वजह से, अगर आप मोबाइल से, अगर आप अपने सिस्टम में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से कई बार आपका जो डेटा है वो भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों बार बार अपडेट आने से कई बार दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में ये दोस्तों जो विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन है, इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो विंडोज ऑटो अपडेट को ऑफ करने के लिए सिंपली अपने कीबोर्ड पर प्रेस करें विंडो प्लस आर का बटन, और यहां पर टाइप करें दोस्तों services.msc, ये टाइप करके ओके पे क्लिक करें।
तो जैसे आप ये क्लिक करते हो तो दोस्तों जो सर्विसेज ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज अपडेट का, आप देख सकते हैं। तो इस पर सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, राइट पे क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप टाइप, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली है। तो यहाँ पर आप सिंपली आके इसे डिसेबल कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर मैनुअल कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आप इसे डिसेबल कर ले और सिंपली यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और ये ओके कर दीजिए। तो उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट डिसेबल हो जाएगा यहाँ पर। ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों सिंपली अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर ले। तो जैसे आप रीस्टार्ट करोगे तो जो ऑटोमेटिकली विंडोज़ अपडेट है वो बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि महीने में कम से कम एक या दो बार इसे ऑन करके अपने विंडोज़ को यहाँ पर मैनुअली खुद से जाके अपडेट ज़रूर कर ले। नेक्स्ट, स्टॉप नोटिफिकेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम विंडोज। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको ये विंडोज के आइकन पर राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको दोबारा से सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन एंड एक्शन का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्स एंड अदर सेंडर्स। तो ये इतना यूजफुल नहीं है, तो सिंपली आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हो, बंद कर सकते हो। उसके बाद आप इन सभी ऑप्शन को भी यहाँ पर अनचेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्लीन स्टोरेज। वेल दोस्तों आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप के हार्ड डिस्क में कई सारे ऐसे अनवांटेड फाइल्स होते हैं, या फिर कह लो कई सारे ऐसे टेम्प्रेरी फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनका आपके सिस्टम पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, जिन्हें आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, ये सभी अनवांटेड फाइल्स, टेम्प्रेरी फाइल्स आपके सिस्टम में दोस्तों आपके हार्ड डिस्क में जगह को लेते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम फुल हो जाता है और ऑफकोर्स आपका सिस्टम हैंग करने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों आप टेम्प्रेरी या फिर कह लो जितने भी अनवांटेड फाइल है सिंपल सा एक सेटिंग को इनेबल करके ऑन करके ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली विंडोज के आइकन पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिस्टम पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अगर ये ऑफ है दोस्तों तो इसे सिंपली ऑन कर दो। नेक्स्ट है स्कैन योर कंप्यूटर। वेल दोस्तों आपको पता होगा अगर आप विंडोज सिस्टम यूज़ करते हो तो आपने कभी ना कभी अपने सिस्टम में क्रैक सॉफ्टवेयर को ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, या फिर इसके अलावा इंटरनेट से आपने कई सारे ऐसे फाइल, फोल्डर, यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया होगा और अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा। तो इसकी वजह से भी दोस्तों कई बार आपके सिस्टम पर वायरस आ जाता है। तो ऐसे में आप अपने सिस्टम से दोस्तों वायरस को फ्री में रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपको कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है अच्छा सा जो पेड है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप एक एंटीवायरस परचेस नहीं कर सकते, तो एक फ्री सॉफ्टवेयर मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो कि है एंटी मालवेयर बाइट्स। सिंपली आप गूगल पे जा सकते हो और सर्च कर सकते हो एंटी मालवेयर बाइट्स, आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा इसका आप ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 14 डेज के लिए आपको फ्री ट्रायल मिल जाता है, इसका पेड भी है, लेकिन दोस्तों आप फ्री ट्रायल वर्जन में ही यहाँ पर आप अपने सिस्टम से दोस्तों आप अपने सिस्टम से जितने भी वायरस है या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम को स्लो कर रहा है या फिर आपके सिस्टम में वायरस को फैला रहा है तो उसे दोस्तों डिलीट कर देता है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप रन कर सकते हैं और अपने सिस्टम में जितने भी वायरसेस है या फिर कोई ऐसा फाइल है जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा रहा है तो उसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रन डिस्क क्लीनअप। वेल दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर एप्लीकेशन है जो खुद दोस्तों यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट या फिर कह लो विंडोज़ में आपको बाय डिफॉल्ट पहले से ही इंस्टॉल मिलता है। इसकी मदद से दोस्तों आपके सिस्टम में ऐसे कई सारे अनवांटेड फाइल्स होंगे, ऐसे कई सारे ऐसे टेम्प्रेरी फाइल्स होंगे जिनका आपके सिस्टम पे कोई यूज़ नहीं है, तो उन सभी को दोस्तों ये इजीली यहाँ पर सिंगल क्लिक में डिलीट कर देता है, जिससे आपके सिस्टम में यहाँ पर जितने भी जो स्पेस है दोस्तों वो फ्री हो जाता है। और ऑफ कोर्स अगर सिस्टम में दोस्तों जो स्पेस है वो फ्री होगा तो आपका जो सिस्टम है वो फास्ट चलेगा। तो डिस्क क्लीनअप को यूज़ करने के लिए विंडो प्रेस करके सिंपली यहाँ पर सर्च करें डिस्क क्लीनअप, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। देखिए तो सिंपली इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो दूसरे ड्राइव को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपली आप विंडोज सी ड्राइव को यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली इन सारे ऑप्शन को यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर टिक कर सकते हो जो भी आपको लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको रिसाइकल बिन क्लियर करना है, यहाँ पर टेम्प्रेरी फाइल्स क्लीन करना है, डाउनलोड फाइल्स को यहाँ पर क्लीन करना है, तो ये सारे ऑप्शन को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर और ज़्यादा सिस्टम में दोस्तों जो स्पेस को है वो क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ डिस्क क्लीनअप करने से आपका जो सिस्टम है दोस्तों पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा।
यस। नेक्स्ट सेटिंग की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो वो है डिलीट अनवांटेड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। वेल आपके सिस्टम में दोस्तों कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, जिसको आपने इंस्टॉल तो करा लेकिन आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। तो भैया ऐसे में उन सारे एप्लीकेशन को सिंपली कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पर अनइंस्टॉल एप्लीकेशन में जाके वहाँ पर वो सारे एप्लीकेशन जिनका आप इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, सदियों से आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, भैया उन्हें डिलीट कर दो। डिलीट करने में ही फायदा। नेक्स्ट है सी ड्राइव को फ्री करें। वेल आप में से बहुत से लोग दोस्तों ऐसे होंगे जो हार्ड डिस्क पार्टीशन तो कर लेते हैं लेकिन दोस्तों जो सी ड्राइव होता है उसे बहुत ही कम स्टोरेज देते हैं। और ऐसे में जब भी आप अपने सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो जो सी ड्राइव है दोस्तों वो धीरे धीरे फुल होने लग जाता है। और एक टाइम बाद अगर आप देखोगे तो जो सी ड्राइव है दोस्तों वो रेड हो जाता है। तो कोशिश करें दोस्तों ये जो सी ड्राइव है उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सी ड्राइव को स्पेस दें। अगर दोस्तों ये सी ड्राइव फुल होने लग गया तो ऐसे में दोस्तों आपका जो सिस्टम है वो हैंग करने लग जाएगा और स्लो हो जाएगा। तो अगर आपके सी ड्राइव में दोस्तों ज़्यादा स्पेस नहीं है तो कोशिश करें कि सारे दोस्तों फालतू के एप्लीकेशन या फिर कोई भी ऐसा जुगाड़ लगा जितने भी फालतू की चीज़ें हैं सिस्टम से वो डिलीट कर दे, ताकि दोस्तों जो सी ड्राइव है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो जाएगा। अगर दोस्तों ये सारे टिप्स सेटिंग अपनाने के बाद भी अगर आपका जो सिस्टम है दोस्तों वो अब भी स्लो चलता है या फिर हैंग करता है तो दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है दोस्तों सिस्टम रीसेट यानी कि हार्ड रीसेट। यस दोस्तों अगर आपका सिस्टम हैंग या फिर स्लो चलता है तो यहाँ पर आप अपने सिस्टम को पहले जैसा कर सकते हो, एक हार्ड रीसेट मार सकते हो। तो इससे पहले दोस्तों आप अपने सिस्टम का दोस्तों जो सारा बैकअप है वो सेव कर ले, यहाँ पर एक हार्ड डिस्क पार्टीशन बना के ऐसे ड्राइव में यहाँ पर सेव करके रख ले जहाँ पर दोस्तों ये सिक्योर रहे। इसके बाद दोस्तों आप अपने सिस्टम को सिंपली यहाँ पर हार्ड रीसेट मार सकते हैं। रीसेट मारने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपका जो सिस्टम है सारे जो इसके सेटिंग्स होंगे, आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल थे जिनकी वजह से आपका सिस्टम लैग या फिर हैंग कर रहा है वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। और दोस्तों पहले जैसे एक तरह से नया एक लैपटॉप आता है उसी तरह से दोस्तों आपका एक सिस्टम हो जाएगा और आपका सिस्टम पहले की तुलना में ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेगा। और हाँ अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो सिस्टम है दोस्तों वो पहले के मुकाबले फास्ट ज़रूर होगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, इंटरेस्टिंग हेल्पफुल? तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर दबा के रखना ऐसे ही वीडियोस के लिए। एंड हाँ कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो या फिर मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल पर जाके वहाँ पर मुझे फॉलो करके मैसेज करके भी आप मुझसे चैट करके अपने सवाल पूछ सकते हो। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।